हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं ऐतिहासिक मीटरगेज ट्रैक पर। ये जो लोकेशन है, ये चोरल स्टेशन से जब हम महू की तरफ जाते थे तो जो रेलवे क्रॉसिंग आती है चोरल स्टेशन के पास, उसके समीप का ये लोकेशन है। दोस्तों, यहीं से ट्रैक रेलवे ट्रैक अलग हो जाता था और जो रोड का रास्ता था वो अलग हो जाता था। नहीं तो ये पूरा रोड का रास्ता और रेलवे ट्रैक हमारे ओंकारेश्वर महू तक पैरेलल चलते रहते थे। दोस्तों, ये जो ट्रैक है अब ये हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया है, क्योंकि यहाँ पर नया अलाइनमेंट डिसाइड हो गया है महू से बलवाड़ा के मध्य। दोस्तों, महू से बलवाड़ा जो अब ट्रैक बनेगा वो नए रूट पर ट्रैक बनेगा, नया अलाइनमेंट पर बनेगा। सो जिस लोकेशन पर अभी हम हैं, इस लोकेशन पर अब कभी भी रेलवे ट्रैक नहीं आएगा। दोस्तों, जो नया रेल रूट है, नया अलाइनमेंट है, इसके मुताबिक बलवाड़ा से चोरल भी नया अलाइनमेंट पर रूट बनेगा बड़ी लाइन का, और चोरल से पातालपानी भी नया अलाइनमेंट पर रूट बनेगा, जिसमें कि दूरी भी कुछ अब बढ़ेगी। लगभग पहले 40 किलोमीटर की दूरी आती थी महू से बलवाड़ा के मध्य, 38-40 किलोमीटर की। अब ये दूरी बढ़ के 70-75 किलोमीटर के लगभग आएगी। इसी विषय में पूर्णेश भैया ने एक डिटेल वीडियो अभी बनाया था, उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल सकती है कि कितना क्या दूरी बढ़ेगी, कितनी सुरंग आएंगी और कौन कौन से स्टेशन नए ऐड हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग दिख रही है। ये हाईवे जो हमारा एटलाबाद हाईवे है, अकोला वाला इच्छापुर हाईवे, ये इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता था। अब ये पूरा इतिहास रह गया है। यहाँ पर भविष्य में कभी भी ट्रेनें नहीं आएंगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती, हम मानते हैं कि हम लोगों ने इस रूट पर ट्रैवल किया और आखिरी दिन भी ट्रैवल किया। दोस्तों, सनावत से बलवाड़ा तक तो रेलवे को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए रेल लाइन डालने में। जो मेन इनके लिए चुनौती रहेगी वो बलवाड़ा से महू तक की रहेगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना टाइम ये लोग लेंगे बनाने पे और कितना क्या समय और लगता है हमको इस पूरे क्षेत्र में रेलवे लाइन और रेलवे देखने में। दोस्तों, बात करें सनावत से बलवाड़ा तक के ट्रैक की, वो काफ़ी जल्द बन सकता है, रेलवे की इच्छा शक्ति पर डिपेंड है वो। अभी तो सिर्फ ब्रिज तोड़ने का कार्य चल रहा है, जो नर्मदा वाला ब्रिज है वो ट्रैक जल्दी बन जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर खंडवा से सनावत ट्रेन चालू होती है तो उसी ट्रेन को एक्सटेंड करके हम लोग बलवाड़ा तक भी चला सकते हैं। अब जो रही बात, जो मेन पाले में बात रह जाएगी वो है बलवाड़ा से महू तक, पातालपानी तक। यही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है और पेचीदा चीज़ है कि कब ये ट्रैक बनता है, क्योंकि इस जो नया अलाइनमेंट बनाया है, मतलब जिसका जो अभी मॉडल रखा है नया अलाइनमेंट का, इसमें अभी कुछ भी डेडलाइन नहीं दी गई है इस पूरे प्रोजेक्ट की कि कब तक हमें बलवाड़ा से महू तक रेलवे ट्रैक और रेलवे गाड़ियां देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक का बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बनना चाहिए, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, किंतु अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जब भी बन जाए, हम तो 10-15 साल का टाइम मार्जिन लेके चल रहे हैं, 10-15 साल में बन जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ साथ मालवा और निमाड़ वासियों की भी इच्छा है कि जल्द से खंडवा और महू इंदौर आपस से ट्रेन से जुड़े, जिससे कि हमें वही पुराने दिन देखने को मिले किंतु बड़ी लाइन के रूप में। अब ये जो गेंद है, ये गेंद अभी पश्चिम रेलवे के पाले में है, और जिस टाइप से इतनी तेज़ गति से पश्चिम रेलवे ने कार्य किया है पिछले 15 सालों में, तो उसी गति को देखते हुए मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि अगले 15 साल में पश्चिम रेलवे इसको अपनी पूरी गति से इस ट्रैक को बनवा ही देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पश्चिम रेलवे हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगा। दोस्तों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, उसी चीज़ के रिस्पेक्ट करते हुए हम भी अब हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, ये देखते हैं अब कैसा क्या होता है। बस उम्मीद यही करते हैं और जल्द चाहते यही हैं कि खंडवा से सनावत वाया ट्रेन भी जुड़े तो थोड़ा सहूलियत मिले हम लोगों को भी और काफ़ी सारे लोगों को भी। निमाड़ के पूरा निमाड़ अंचल रेल रूट से तो इसी रूट पे डिपेंड रहेगा। तो दोस्तों, ये था थोड़ा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।